सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? जनरली हम लोगों ने फिज़िक्स को लेकर बड़ा हाहाकार मचा रखा है कि भैया फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम लोग समझ नहीं पाएंगे, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं या इसे विजुलाइज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है। फिज़िक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जिसके अंदर अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो बहुत अच्छे तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पर कि फिज़िक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है, ये तो मिथ हम लोगों ने अपने अंदर बना लिया है। इस मिथ को हमें ब्रेक किस तरीके से करना है, इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, इसी समस्या के समाधान के लिए हयात ने, यानी हम लोगों ने एक अपना नया प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके तहत हम आप लोगों को फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट को, अब आप इसे मुश्किल कहें या आसान कहें, फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट को एक आसान लैंग्वेज में विजुलाइज कराएंगे कि किस तरीके से कौन सा फेनोमेना हो रहा है, कैसे कोई भी घटना घट रही है, कैसे किसी प्रॉब्लम को फिज़िक्स में कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं कि अगर उसी डायग्राम को हम अपने हाथ से ड्रॉ करते हैं और उसी चीज़ को हम विजुलाइज होते हुए देखते हैं, यानी उस फिनोमिना को हम अपने सामने होता हुआ देखते हैं, तो जब उस फिनोमिना को हम अपने सामने होता हुआ देखेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा समझना एक डायग्राम के कंपैरिजन में। ठीक है, चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा जो नया प्रोग्राम है वो किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को चलाने वाले हैं, किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अपनी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। आप लोग देख रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल दोनों के बीच में एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है। ठीक है, ये हमारे पास में एक कॉइल है जिसके अंदर हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगाया है। ठीक है, देखिए जैसे ही कॉइल दोनों मैग्नेट के बीच से नीचे जाती है या ऊपर आती है, मैग्नेटिक लाइन्स कट होती हैं और मैग्नेटिक लाइन्स कट होने की वजह से फ्लक्स में चेंज आता है और फ्लक्स में चेंज आ जाने की वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आता है, यानी फ्लक्स में चेंज आ जाने की वजह से करंट प्रोड्यूस्ड हो रही है, यानी फ्लक्स की प्रॉब्लम को, फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को हम इससे बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि भाई कैसे फ्लक्स में चेंज आता है और कैसे करंट प्रोड्यूस्ड होती है। ओके, नेक्स्ट जस्ट आपके सामने जो सेकेंड स्लाइड है ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है। लॉ ऑफ इनर्शिया को देखिए, ये जो हमारा एक छोटा सा स्लाइडर है मूव करता हुआ जा रहा है, जैसे ही उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है, स्लाइडर तो रेस्ट में आ जाता है लेकिन उसके ऊपर जो मैन स्टैंडिंग पोजीशन में है वो रेस्ट में नहीं आ पाता है। रेस्ट में ना आने की वजह से आगे की तरफ फॉल कर जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है। तो ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है और बेहतर तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट, ये भी एक स्लाइड हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर है, किस तरीके से फ्लक्स में चेंज आता है। देखिए, जैसे जैसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी, जैसे जैसे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी, रेड वाला पोर्शन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। ग्राफ के अंदर भी हम लोगों ने वही रिप्रेजेंट किया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है और जब कॉइल बाहर जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, यानी यहाँ से भी हम फ्लक्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये स्लाइड हमारी डीसी और एसी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है कि डीसी यानी डायरेक्ट करंट, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो हमारा फिगर है ये डीसी को रिप्रेजेंट करता है, आपके सामने दिख रहा है कि सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, सो दैट इज डीसी करंट। अब एसी पर आप थोड़ा सा गौर से देखिए, एसी पर डायरेक्शन में जाते हैं फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, फिर आगे की डायरेक्शन में जाते हैं फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये कंडीशन हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट को लेकर है। हमारा जो मेन मोटिव है वो सिर्फ आपको ये बताना है कि इस कंडीशन का यूज करते हुए, यानी इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम फिजिक्स को या फिजिक्स जैसे किसी भी सब्जेक्ट को लाइक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और विजुलाइज भी कर सकते हैं। वो जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि भैया सिर्फ फिजिक्स को रटना पड़ता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आया उसमें हम लोगों ने रट लिया, डेरिवेशंस बना ली, उस चीज़ से हम लोग काफ़ी हद तक आगे निकल जाएंगे, क्वेश्चंस को अप्रोच के साथ हम समझ भी पाएंगे और प्रॉब्लम को हम सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके,
नेक्स्ट, आपके सामने एक छोटी सी कंडीशन हमने बनाई है, देखिए ध्यान से। इस कंडीशन में ये जो कॉइल आपको दिख रही है, ये लाइक एसी जनरेटर टाइप हमने एक स्लाइड आपके सामने बनाई है। कॉइल दोनों मैग्नेट्स के बीच में मूव कर रही है और मैग्नेटिक मैग्नेट के बीच में मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार करंट की डायरेक्शन एक साइड में है, एक बार करंट की डायरेक्शन एक साइड में है। दिस इज एसी जनरेटर। ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ही मैग्नेट मूव करेगी इनसाइड द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। मैग्नेट अप्रोच करेगी टुवर्ड्स द कॉइल और अवे द कॉइल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और करंट प्रोड्यूस होगी। गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन से हम करंट को देख सकते हैं। ओके, ये भी एक तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को ही रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी फैराडे के लॉ को रिप्रेजेंट करता है और करंट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जैसे मैग्नेट मूव करेगी इनसाइड द कॉइल, गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में या वोल्टेज में चेंज आ रहा है, यानी करंट प्रोड्यूस हो रही है कॉइल के अंदर फ्लक्स में चेंज आ जाने की वजह से। ये जो स्लाइड है ये रिप्रेजेंट करती है रोटेशन को। देखिए आपके सामने हम लोगों ने पांच कंडीशंस बनाई हुई हैं, पांच बॉल्स हैं, पांच अलग अलग शेप्स हैं आपके पास में, आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो हमारे पास में क्यूबिकल बॉक्स है, ये स्लाइडिंग मोशन कर रहा है, बाकी सारे के सारे रोलिंग मोशन कर रहे हैं। तो रोलिंग मोशन किस तरीके से इंक्लाइन प्लेन पर होता है, कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन देर में पहुंचेगा, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम स्लाइड का यूज़ करेंगे। ये स्लाइड रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। बहुत बेसिक सी बात है, हम लोग 10th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, अनलाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, स्प्रिंग मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये स्लाइड रिप्रेजेंट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ये हमारे पास में मेन पोजीशन है स्टूडेंट, ये मेन पोजीशन है, ये हमारे पास में नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये हमारे पास में पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है। दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये भी हमारे पास में एम्पलीट्यूड है, मेन पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। एक्चुअली वेव और SHM में तो ये आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कारगर है, क्योंकि SHM और वेव में पूरा काम विजुलाइज करने का है कि कौन सी बॉडी किस तरीके से SHM करेगी, कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा, और इसका यूज करके हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अनदर स्प्रिंग सिस्टम प्रॉब्लम, बेसिक स्प्रिंग सिस्टम कंडीशन है आपके सामने बनाई हुई है। इसके अंदर भी हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि कहाँ रीस्टोरिंग फोर्स काम करेगा और कौन सा काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। बहुत जल्दी हम लोग YouTube के ऊपर आपके लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसके अंदर यूनिट मेजरमेंट एरर हमारा 11th के अंदर फर्स्ट टॉपिक रहेगा और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। ओके, सो गाइस, माई सेल्फ आमिर अली एंड आई एम अन अकेडमी प्लस एजुकेटर, और आप अन अकेडमी पर भी जाकर मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।